हे हाई एवरी वन माई नेम इस वेलकम यू ऑल टू द स्टेटिक रिविजन सीरीज ऑन द सिविल्स क्लब सो देखिए ये हमारा आज डे टू होने वाला है एंड वी आर रिवाइजिंग फॉर द प्रलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट सो एक ही जगह आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें राइट यू विल गेट अमेजिंग पोस्ट एंड यहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशन देता हूँ कोई भी पी डी एफ वगैरह होते टाइम वैर मैं यहाँ शेयर करता हूँ एंड ऑल्सो प्लीज़ नोट दैट अगर आपको कोई भी सिविल क्लब के कोर्सेज में एनरोल होना है तो यू कैन सिंपली विजिट एट डब्लू डब्बू डॉट सिविल्स क्लब डॉट इन ठीक है एक हमारा दृश्यम कोर्स चल रहा है तो वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं चलिए ऑन दिस नोट लेटेस्ट स्टार्ट विथ टूडेज क्लास एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द पॉलिटी ठीक है तो पॉलिटी का डे टू है एंड सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्या दैट मार्शल लॉ रिमेंबर मार्शल लॉ ये क्या है इट इज़ मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ मैंशन किया गया है ठीक है तो पूछा जाए मार्शल लॉ या यानी इट इज़ देयर देन अभी क्या है हमारे देश में ना आर्टिकल थर्टी नाइन सब क्लॉज बी एंड थर्टी नाइन सब क्लॉज सी ठीक है विच इज अ पार्ट ऑफ डी पी एस पी इसको प्रेसिडेंस देते हैं ओवर आर्टिकल फोर्टीन एंड नाइनटीन विच इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो प्लीज रिमेंबर कैन सम डी पी एस पी गिव इन प्रेफरेंस ओवर द फंडामेंटल राइट आंसर इज यस यस एंड यस ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दिस आर्टिकल थर्टी नाइन बी सी राइट ये हमने बात कर लिया अच्छा एंड सेंटर कैन इट डायरेक्ट द स्टेट्स टू यू कैन से इम्प्लीमेंट द डी पी एस पी एंड डिसमिस दैम अगर वो फॉलो ना करें ठीक है द आंसर इज यस ये बिल्कुल सही बात है ठीक है एंड कैन द प्रेजिडेंट रिजेक्ट अ बिल अगर वो डी पी एस पी को वायलेट कर रहा है तो यस ये भी होता है इसीलिए बोला जाता है डी पी एस पी का एक क्रिटिसिजम है क्या दे क्रिएट दे क्रिएट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ठीक है यही रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस ठीक है देन टू अपहोल्ड सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया ये क्या है दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लीज रिमेंबर दिस देन डी पी एस पी प्लस फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रियम्बल ये मिलाते हैं यह मिल बनाते हैं बेसिक फिलासफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एंड डी प्लस फंडामेंटल राइट्स ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है प्लीज़ रिमेंबर दिस ठीक है द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड फ़िलासफी क्या है फिलासफी है आपका डी प्लस फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रीएम्बल तो पूछा जा सकता है आपसे ठीक है राइट दो क्या है क्या चीज़ मिलके सोल है ठीक है क्या चीज़ मिलके फिलासफी है तो ध्यान रखना ऑल राइट नेक्स्ट डी याद रखिएगा दे आर इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बट जुडिशरी को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है ठीक है तो प्लीज रिमेंबर दिस देन इफ आफ्टर फाइव इयर्स सिटीजन इज इम्प्रेजेंट फॉर टू इयर्स इन एनी कंट्री ठीक है अगर आपने फाइव इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यू बीइंग अ सिटीजन इन इंडिया अगर आपने रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है और पाँच साल के बाद अगर आप किसी भी कंट्री में दो साल के लिए जेल में हो गए तो भाई सिटीजनशिप गई ठीक है सिमिलरली इफ़ यू आर ऑर्डनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर सेवन ईयर्स तो भी सिटीजनशिप गॉन ठीक है याद रखना ठीक है एंड दिस इज वॉट द बेसिक आइडिया इस ठीक है फाइन एंड देन वॉट डू यू मीन बाई डिप्रिवेशन ठीक है तो डिप्रीवेशन मीन्स दैट टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है राइट right? जैसे डिप्रीवेशन हो गया फिर और अदर मेथड्स क्या होते हैं टर्मिनेशन होते रिनंसियशन हो गया ठीक है एंड डिप्रीवेशन के अंदर ये चार पांच तरीके हैं ठीक है जिसके थ्रू यू कुड बी डिप्राइव ऑफ योर सिटीजनशिप ठीक है आपकी सरकार टर्मिनेट कर देगी ठीक है अगर आपने रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है और पाँच साल के बाद दो साल के लिए जेल में चले गए तो गए ठीक है सिमिलरली आउटसाइड आप चले गए सात साल के लिए ठीक है एड बिना कोई आप ऑर्डनरी रेजिडेंट हो वहाँ के तो आप गए ठीक है देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का एविडेंस कहाँ मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ एटीन क्योंकि उसने क्या किया था उसने सेपरेट कर दिया था लेजिस्टिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ़ द गवर्नर जनरल के काउंसिल ठीक है राइट right. अच्छा फिर 1861 के एक्ट ने क्या करा था 1861 के एक्ट ने इट री द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से पावर पहले ले ली गई थी ठीक है बट 1861 ने कि एक्ट ने इसको रिस्टोर कर दिया था ठीक है राइट तो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड एक्चुअली क्या था ब्रिटिशर्स वेन दे स्टार्टेड टू रूल तो एटीन तक तो बहुत सेंट्रलाइजेशन चला बट उसके बाद से यू विल फाइंड जितने भी एक्ट आए तो डिसेंट्रलाइजेशन होता गया फॉर एग्जाम्पल 1853 में सबसे पहले आपने देखा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया 1861 में जो बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर थी वो वापस कर दी ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा देन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट ने एक्ट ने चार डी पी एस पी को एड किए थे ये भी पूछा जा चुका है प्लीज रिमेंबर दिस ठीक है एंड इसकी जो ट्रिक है सी पी डब्ल्यू ई वन वॉज फॉर चिल्ड्रेन हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन सेकेंड वॉज फॉर वुमेन ठीक है राइट चिल्ड्रेन एंड वुमेन के लिए ठीक है देन उसके बाद क्या था वर्कर uh, के लिए था ठीक है तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फोर्टी थ्री है ठीक है देन उसके बाद क्या था ई e से इन्वायरमेंट के लिए था ठीक है तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इनको प्रोटेक्ट करना फोर्टी एट ए आया था एंड एक था फ्री लीगल एड टू पुअर ठीक है तो पी फॉर पुअर तो चिल्ड्रेन ठीक है पुअर देन उसके बाद क्या है वर्कर एंड एनवायरमेंट ये ध्यान रखना एंड फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट टैक्स से मिनिमाइज द इक्वालिटी आया था ये मैंने कल आपको बताया था क्योंकि फोर माइनस फोर आपका जीरो होता है ठीक है तो ये चारों पता होने चाहिए ठीक है प्लस आर्टिकल्स भी देखो पता होना चाहिए थर्टी नाइन हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन थर्टी नाइन ए फ्री लीगल एड टू पुअर फोर्टी थ्री ए पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फोर्टी एट ए प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड यू कैन से सेव गार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक और ट्रिक याद रख लो क्या जो चार आर्टिकल्स एड हुए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से तीन में ए आता है ठीक है और एक नॉर्मल है ठीक है हाँ है ना तो इस तरीके से अगर आप याद कर पाओगे ठीक है तो भी आप आसानी से याद कर सकते हो थर्टी नाइन ठीक है दूसरा थर्टी नाइन हुआ तो थर्टी नाइन ए होगा थर्टी नाइन प्लस उसके बाद फोर ऐड कर दो ठीक है तो आर्टिकल फोर्टी थ्री ए ठीक है और इसके बाद इसमें फाइव ऐड कर दो तो आर्टिकल फोर्टी एट ए तो ये चार एक्ट याद हुए थे ठीक है थर्टी नाइन वो ए है तो इसके बाद एक और ए आएगा देन उसके बाद क्या प्लस फोर ऐड करो देन उसके बाद प्लस फाइव ऐड कर दो वेरी इजी आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पे निकल के याद हो जाएंगे निकल जाएंगे ठीक है राइट right. प्लीज़ देखो दाई भाई याद करना है देखो याद करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं ठीक है ये तो सबको पता है ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट नाइनटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इलेवन ठीक है इसने क्या किया था फोर्टी थ्री बी एक्ट डाला था विच इज़ फॉर द कॉपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या रखेगा फोर्टी थ्री बी सी बी सी कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर फोर्टी थ्री वाला कौन सा है फोर्टी थ्री बी क्या है सी के कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए याद हो गया ए ए ए इज फॉर वॉट फोर्टी थ्री ए ए इज़ फॉर वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ठीक है राइट मैनेजमेंट ठीक है ए एमडब्ल्यू ए एम एल मैनेजमेंट ठीक है ये ध्यान रखना ठीक है राइट right? और ये हमने देख लिया थर्टी नाइन थर्टी नाइन ये चार ऐड करेंगे फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री से फोर्टी एट आ जाएंगे फोर्टी थ्री बी सी या आपका कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए ठीक है सर एंड फोर्टी फोर्थ वाला मिनिमाइज द इन इक्वालिटी बढ़िया ठीक है फाइन देन नेक्स्ट एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी राइट लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी तीस मेम्बर होते हैं प्लीज नोट सारे लोकसभा से होते हैं ठीक है

ट हैज नो पावर टू सेंड बैक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजिडेंट ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वापिस नहीं कर सकता की रिकनसिडर करो उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा क्या सर मनी बिल को प्रेसिडेंट वापिस कर सकता है बताओ कमेंट सेक्शन में जरा देखू वो यहां तक देख रहा है ठीक है देन नेक्स्ट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा आर फिक्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस इसीलिए ग्राम सभा को यू विल फाइंड इट इज़ नॉट अ वेरी पावरफुल बॉडी क्योंकि पावर तो भैया स्टेट के हाथ में ठीक है देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड प्लीज रिमेंबर दिस बट बट ठीक है मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बट क्या है जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का वो डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट लेवल पे इनडायरेक्टली होता है ठीक है एंड विलेज लेवल पे जो पंचायत का चेयरपर्सन होता है ठीक है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सरपंच ये या तो इनडायरेक्ट हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है ये स्टेट विल डिसाइड ठीक है स्टेट के पंचायती राज एक्ट विल डिसाइड फिर से बोलता हूँ क्या तीन लेवल की पंचायत होती है जिसके सभी मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है ठीक है जो इंटरमीडिएट और हायर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होती है वहाँ के चेयरपर्सन हमेशा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बट विलेज लेवल के चेयरपर्सन ना इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट डिसाइड कौन करेगा स्टेट ठीक है रूल मैक्सिमम ठीक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तीन साल तक लग सकता है ठीक है एंड इट शुड बी अप्रूव विद इन टू मंथस बाई हाउस ठीक है नेशनल इमरजेंसी ना याद रखना एक सा एक मंथ के अंदर अप्रूव होनी है यह हमने कल डिस्कस किया था ठीक है देन बास्क के एथनिक ग्रुप्स है दे आर द इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप्स ऑफ स्पेन ठीक है एंड लास्ट इज़ अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है ये आपका निकालता है आपका यू एन डी पी ठीक है एंड नॉट वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता है ठीक है तो ये था हमारा आज का डे टू का डिस्कशन ठीक है आई होप यू लाइक इट एंड एनी सजेशन एनी फीडबैक आई एम मोस्ट वेलकम ठीक है और किसी को भी मुझसे कुछ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है या यू वॉन्ट टू एनी काइंड ऑफ माई गाइडेंस वगैरह तो मेरी टेलीग्राम आई डी नोट कर सकता है सुमित इज देयर ठीक है तो ये मेरी टेलीग्राम है एंड डोंट फॉर्गेट टू यू कैन से लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स दिस इज मी टो मैच साइनिंग ऑफ बाय